सीसीएल इनके एरिया की रोहनी परियोजना को 8 महीने के बाद सीटीओ मिलने के बाद एक बार फिर से कामकाज शुरू हो गया है। कामकाज शुरू होने से यहां के अधिकारियों, कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से ही यह परियोजना सीटीओ नहीं मिलने के कारण से बंद थी। अब 8 महीने के बाद सीटीओ मिला। सीटीओ मिलने के बाद से ही तत्काल कामकाज शुरू कर दिया गया है। परियोजना में बने वर्कशॉप के अंदर से खनन का काम शुरू किया गया है। शनिवार को परियोजना पदाधिकारी जेके सिंह कर्मियों के बीच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कर्मियों से बेहतर तरीके से काम करते हुए उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने की अपील की। मिलाकर चलने का काम किए हैं और पूरा उत्पादन लक्ष्य को एकदम प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर तक भी जाने का प्रयास करते ही रहते हैं। इसमें कहीं वर्क ज्यादा है और सभी हम लोग विश्वास दिलाते हैं। हर्ष की बात है कि हम लोगों के सामूहिक और अथक प्रयास से रोहिणी परियोजना पुनः 8 महीने के बाद शुरू हुआ और इसको झारखंड जेएसपीसीबी से सीटीओ प्राप्त हो गया। सीटीओ प्राप्त होने के उपरांत हम लोगों ने मशीन का डिप्लॉयमेंट लगा दिया है। सभी मजदूरों में और सभी लोगों में, यहाँ का जितने भी लोग हैं, सब यहाँ के लोकलाइट्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रोजेक्ट से संबंध रखते हैं, सब लोगों में बहुत ही हर्ष का एक माहौल है और हम चाहेंगे कि जो परियोजना का जो लक्ष्य है बाकी दिनों में उसको हम लोग हासिल कर सकें और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि अपने टीम के साथ इसको हम लोग अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। पीएसडी का मामला कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं और जो इसमें जो नियम पूर्वक जो ईसीएफडी का जो गाइडलाइंस है उन लोगों को फॉलो करते हुए हम लोग को कोई बात देता, हम लोग जो अलग से कोई इम्पोजिशन नहीं रहेगा उसका।